हे एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर डूइंग गुड सो दिस इज़ द फोर्स्ट फिफ्थ चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड द नेम इज़ तानसेन ओके तो हमें जैसे पता है अकबर अकबर था ठीक है अकबर के कोर्ट में नौ रत्न थे ठीक है तो नौ लोग थे जिनको मतलब जो अलग अलग फील्ड में बहुत स्पेशलाइजेशन थी जिन्हें ठीक है तो उनमें से तानसेन भी एक थे तो ये कहानी उन्हीं की है ठीक है अब हम देखते हैं इनके बारे में तो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है एक बच्चा होता है मतलब सबसे पहले ये दिया है कि टानसिन एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे ये ठीक है जो हमारी कंट्री ने प्रोड्यूस किया है क्या होता है सिंगर होते हैं ठीक है थीके? सिंगर का नाम होता है मुकंदन मिश्रा ठीक है उनकी वाइफ होती है तो वो क्या करते हैं गांव में आके रहते हैं ठीक है ग्वालियर के पास गाँव का नाम होता है बेहात ठीक है वो गाँव में आके रहते हैं उनका एक छोटा सा बच्चा होता है वो बहुत ही मतलब शरारती होता है ठीक है नटखट टाइप का बच्चा होता है वो जंगलों में जाता है ठीक है वहाँ पे वो क्या करता है जो जैसे चिड़िया बोलती हैं जैसे एनिमल्स बोलते हैं वो सेम वैसे ही आवाज़ निकालता है ठीक है जो ये वर्ड है यहाँ पे इन में ठीक है ये थोड़ा सा ये मिस हो गया मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो ये वर्ड है यहाँ पे ये इमिटेट ठीक है इमिटेट का मतलब क्या होता है इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना ठीक है इमिटेट का क्या मतलब होता है, है कॉपी करना ठीक है या फिर बिल्कुल मिमिक्री करना जैसा कोई बोले वैसा ही इमिटेट करना ठीक है तो ये मतलब होता है वो वैसे ही आवाजें निकालते थे ठीक है उसके बाद क्या होता है एक बार एक बहुत फेमस सिंगर होता है स्वामी हरिदास वो क्या करते हैं वो जंगल से जा रहे होते हैं अपने डिसाइपल्स के साथ डिसाइपल्स कौन लोग होते हैं डिसाइपल्स वो होते हैं जो उनके फॉलोअर्स होते हैं जो उनसे सीख रहे होते हैं ठीक है उनको डिसाइपल्स कहते हैं तो वो जंगल से जा रहे होते हैं तो वो थक चुके होते हैं तो वो क्या करते हैं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचते हैं अब क्या होता है अब जैसे ही तानसेन ये देखता है कि भाई स्ट्रेंजर्स आए हैं जंगल में तो उन्हें क्यों ना तो कुछ परेशान किया जाए ठीक है अब वो क्या करता है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और शेर की आवाज़ निकाल, आवाज निकालता है टाइगर की आवाज़ निकालता है ठीक है ताकि वो लोग डर जाएँ ठीक है तो क्या होता है सब लोग डर जाते हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि डरो मत और हर टाइगर डेंजरस नहीं होता चलो इसको देखते हैं सडनली क्या होता है उनके ग्रुप में से कोई एक पर्सन तानसेन को देख लेता है जो छुपा होता है पीछे ठीक है तो वो देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं ठीक है लेकिन क्या होता है फिर वो उसको पकड़ के लाते हैं कहते हैं कि स्वामी जी ये है वो नटखट बच्चा तो कहते हैं चलो इसकी कोई गलती नहीं है डोंट पनिश हिम उसको क्या करते हैं फिर वो उसके ना उसके पापा के पास लेके जाते हैं तानसेन के फिर वो बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारती है लेकिन बहुत टैलेंटेड भी है ठीक है क्यों मैं इसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ ठीक है तो क्या होता है तानसेन को अपने साथ ले जाते हैं स्वामी हरिदास जी और उसके बाद उसको ना ग्यारह साल तक अपने साथ रखते हैं और उसको म्यूजिक सिखाते हैं इसी बीच क्या होता है जब वो वो ग्यारह साल में म्यूज़िक सीख रहे होते हैं इसी बीच में उनके जो माता पिता होते हैं मुकंदन मिश्रा और उनकी माँ होती है जो वो मर चुकी होती हैं ठीक है तानसेन की लेकिन क्या होता है तानसेन के जो पापा होते हैं मुकंदन मिश्रा उनकी एक आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो मोहम्मद गौस के कोर्ट में विज़िट करें मोहम्मद गौस ही इज़ अ किंग ठीक है एक किंग था ग्वालियर में वो मोहम्मद गौस के कोर्ट को विज़िट करें क्या होता है मोहम्मद गौस तो फिर क्या होता है पापा की ख्वाहिश तो पूरी करनी है तो फिर तानसेन वहाँ पर जाते हैं ठीक है उनके कोर्ट में विजिट करते हैं उसके बाद क्या होता है तानसेन कई बार ये है रानी मृगान ना, मृगनानी मृगनैनी रानी मिग्नैनी के कोर्ट में भी जाते हैं ठीक है उनको भी विजिट करते हैं और जो रानी मिगनैनी होती है वो खुद में एक बहुत बड़ी सिंगर होती है उस वक्त ठीक है उनके कोर्ट में जाते हैं उनके कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है उन्हें एक वहीं पर उनकी जो होती है डिसाइपल होती है वहाँ पर रहती है उनसे प्यार हो जाता है ठीक है उनका नाम होता है हुसैनी ठीक है और जो हुसैनी होती है वो भी एक स्वामी हरिदास जी है उनकी डिसाइपल रह चुकी होती है मतलब उनसे सीखा होता है हुसैनी ने भी अब क्या होता है वो लोग शादी कर लेते हैं फिर उनके पांच बच्चे होते हैं ठीक है तानसेन के अब क्या होता है तानसेन बहुत फेमस हो जाता है अब आपको पता होगा जैसे उस समय मतलब छोटे छोटे राज हुआ करते थे तो जो सबसे बड़ा राजा हुआ करता था वह उस टाइम पे अकबर था क्योंकि मुगल टाइम की बात है ठीक है तो अकबर बहुत बड़ा राजा था जब उसने सुना कि भाई कोई एक तानसेन है बहुत अच्छा गाना गाता है तो अकबर ने क्या हुआ अकबर ने तानसेन को अपने कोर्ट में बुलाने को कहा कि भाई आप मेरे कोर्ट में आओ और गाना गाओ ठीक है अब क्या हुआ तानसेन गए अकबर के कोर्ट में ये कब की बात है फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स ठीक है फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स की बात है अकबर जाते हैं बहुत अब तानसेन जाते हैं अकबर के कोर्ट में और वो वहाँ पर गाना गाते हैं ठीक है थीके? तो उनको बहुत पसंद आता है फिर उसको क्या करते हैं वो कभी भी तानसेन को बुला लेते हैं दिन हो रात हो ठीक है सुबह शाम दोपहर जब भी उनका मन करता है वो तानसेन को बुला लेते हैं कई बार तो वो तानसेन के घर भी चले जाते हैं ठीक है गाना सुनने उनको बहुत गिफ्ट्स वगैरह देते हैं अब क्या होता है ये देख के ना बाकी सब लोग बहुत जल जाते हैं जो कोर्ट में होते हैं वो बहुत जलने लगते हैं उनमें से एक क्या होता है एक होता है शौकत मियाँ ठीक है वो बहुत जलते हैं तानसेन से वो कहते हैं इसको ना सबक सिखाना पड़ेगा तो so, उसके दिमाग में एक प्लान आता है वो कहता है कि क्यों ना हम तानसेन से ठीक है राग दीपक गवाएं अब क्या होता है राग दीपक क्या होता है जैसे दीपक से पता चल रहा है ठीक है क्या होता है राग दीपक जो गाता है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ठीक है तो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम इससे राजदीपक गवाएं ठीक है और जब ये राजदीपक गाएगा तो फिर अगर वो अच्छे से गाया जाए तो इंसान जल जाता है ठीक है अब ये देख के तो सब वो कहते हैं कि ये तो अच्छा आइडिया है हम कहेंगे राग दीपक गाओ और ये तानसेन जल के मर जाएगा अब क्या होते हैं वो लोग जाते हैं शौकत में अकबर के पास जाते हैं कहते हैं कि हमें नहीं लगता तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है और अगर अच्छा सिंगर है तो इनसे कहो कि राग दीपक गा के सुनाएं अब तानसेन को तो पता था कि अगर राग दीपक गाएंगे तो फिर जल के मर जाएंगे ठीक है क्योंकि उसमें उससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अब वो क्या करते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है वो तानसेन को बोलते हैं कि राग दीपक गाओ तो तानसेन अकबर के कोर्ट में ठीक है थीके? मना नहीं कर पाते वो कहते हैं ठीक है थीके? मुझे सर कुछ दो टाइम दीजिए उसके बाद फिर मैं गाऊंगा ठीक है फिर वो घर जाते हैं वह बड़ा टेंशन में होते हैं ठीक है थीके? तभी उनको एक आइडिया आता है कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो गर्म सब मामला बहुत गर्म हो जाएगा ठीक है बहुत गर्मी हो जाएगी लेकिन अगर उसी वक्त ठीक है जब गर्म हो जाएगा अगर उसी वक्त कोई राग मेघ गाए तो उससे क्या होगा बरसात होने लगेगी ठीक है तो फिर बचा जा सकता है फिर वो क्या करते हैं उनकी जो दो बेटियाँ होती हैं सरस्वती और रूपवती वो उन दोनों को सिखाते हैं दो हफ्ते तक कि भाई आप राग मेघा सिखाते हैं बहुत अच्छे से वो खूब प्रैक्टिस करते हैं राग मेघ सीख जाती हैं और वो कहते हैं कि जब मैं राग दीपक गाऊं तो जैसे ही लैंप जल जाए ठीक है लाइटें जल जाएँ तब तुम राग मेघ गाना चालू कर देना ताकि बरसात हो जाए और मैं बच जाऊँ ठीक है और वो ऐसा ही करती हैं ठीक है थीके? वो जाते हैं उनके कोर्ट में और जब वो गाना शुरू करते हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है कोर्ट में जितने लोग बैठे होते हैं सब एकदम सब गर्मी से पसीना पसीना हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है जैसे ही वो लैंप वगैरह जलते हैं ठीक है वैसे ही वो उधर से राग में एक गाना शुरू कर देती है और जैसे ही राग में गाना शुरू करती हैं फिर उन्हें लगती है बरसात ठीक है तो सब लोग क्या होता है बच जाता है ठीक है सब बच जाते हैं उसके बाद क्या होता है तानसेन की ज़िंदगी बच गई ठीक है अब क्या होता है ये देख के अकबर बहुत सैड होता है कि भाई तानसेन मेरी वजह से अब ऑब्वियसली जब वो गा रहा है तो सब गर्म हो गया उसका गला उसको बड़ी तकलीफ़ हुई ये देख के अकबर बड़ा परेशान होता है कि भाई ऐसा इतना मेरे को मेरा रत्न है और इतना परेशानी में है मेरी वजह से वो क्या करता है जिन्होंने उसको भड़काया होता है ठीक है शौकत उसको सजा देते हैं ठीक है और ऐसे ही उनके साथ फिर उनके साथ और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ठीक है अकबर की और तानसेन की और क्या होता है सन फिफ्टीन एटी फाइव में तानसेन मर जाते हैं ठीक है और उन्होंने बहुत सारे राग लिखे होते हैं और जो तानसेन का टॉम्ब है मतलब जहाँ उन्हें दफनाया गया था जलाया गया था जो भी है वो है ग्वालियर में ठीक है और ये मतलब जैसे होता है ना बहुत अच्छी जगह मानी जाती है उन लोगों के लिए जो म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हैं तो ये थी स्टोरी एंड आई होप अच्छी लगी हो ठीक है तो पहला क्वेश्चन है इसका स्वामी हरिदास ने क्या कहा मतलब से वॉज टैलेंटेड वाई डिड हरिदास से देखो क्यों कहा उसको टैलेंटेड क्योंकि तानसेन ने बिल्कुल सेम चिड़ियाओं जैसी एनिमल जैसी आवाज निकाली ठीक है तो इसलिए उन्होंने उसको टैलेंटेड कहा वाई डिड अकबर तानसेन देखो अकबर ने क्यों कहा तानसेन को कोर्ट ज्वाइन करने के लिए उसको इसलिए कहा क्योंकि जो तानसेन था वो बहुत फेमस हो चुका था वो बहुत अच्छा गाना गाता था ठीक है इसलिए उसको कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा ठीक है अकबर वॉज फंड ऑफ तानसेन गिव टू रीजन मतलब अकबर क्यों फेमस मतलब तानसेन को क्यों पसंद करता था तो भाई पहला रीज़न तो यही है कि जब उसका मन करता था वो तब उससे गाना सुनने चले जाता था ठीक है और दूसरा रीज़न यह है कि वो उनको तानसेन को बहुत अच्छा मानता था इसलिए उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी दिया करता था ठीक है गिफ्ट वगैरह देता था तो फोर्थ क्वेश्चन है आ, वाई डिड द अदर कोटरीज फील अबाउट तानसेन मतलब क्या फील करते थे तो भाई जो बाकी लोग थे वो बहुत जलते थे क्योंकि तानसेन बहुत फेमस था राजा की नजर में ठीक है अकबर की नजर में तो बाकी लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी इस चीज़ से कि भाई यही क्यों इतना फेमस है हम क्यों नहीं है ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन है वट हैपन्स राग दीपक दीप प्रॉपर्ली पता होगा जैसे अगर राग दीपक अगर संग प्रॉपर्ली करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी जिससे क्या होगा सब कुछ जलने लगेगा ठीक है ये था उसके अलावा है वाइट दानसेन एनमीज हिम टू सिंग रागा क्यों गवाना चाहते थे वो इसलिए गवाना चाहते थे ताकि जब तानसेन एक बार गाना शुरू करे ठीक है तो क्या होगा वो जल के भसम हो जाएगा क्योंकि जब वो गाएगा तो सब जल जाएगा उसका शरीर इसलिए सिक्स क्वेश्चन है वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक मतलब तानसेन क्यों एग्री हुआ देखो भाई सीधी सीधी बात है वो अकबर को बहुत अच्छा मानता था ठीक है वो उसके लॉर्ड थे वो उनको मना नहीं कर सका ठीक है वो मना करना भी नहीं चाहता था इसलिए उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ मैं लॉर्ड वो राग दीपक गाऊंगा ठीक है सेवन क्वेश्चन है वट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ उसने क्या करा देखो उसने वही करा ने अपनी बेटियों को दो बेटियों को सिखाया ठीक है राग मेघ सिखाया ताकि बरसात हो जाए यह सिखाया डिड प्लान वर्क एंड हाउ यह हाँ प्लान वर्क किया ऑब्वियसली प्लान वर्क किया जैसे ही वहां लैंप जले उनकी दो बेटियों ने गाना राग मेघ शुरू करा और वो लोग बच गए ठीक है अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा आई यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक डिड यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक नेम ऑफ फ्यू डिस्टिंग इंडियन म्यूजिशियंस तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है कोई क्लासिकल म्यूजिक में तो कुछ नाम बता दीजिएगा अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ डू यू थिंक क्या ये स्टोरी सच है ठीक है मतलब क्या ऐसा होता होगा कि कोई राग दीपक गाए या फिर राग में गए बरसात हो जाए ठीक है सो डोंट फर्गेट टू कमेंट बताना कि आपको क्या लगता है ये सच है या गलत है या फिर एक बस मनगलन कहानी है तानसेन को फेमस करने के लिए ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली अकबर के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत ही ग्लोरीफाई करके बताई गई ठीक है जैसे कि मूवीज में भी देखा होगा तो इट जस्ट अ वे टू ग्लोरीफाई थिंग्स कि भाई अकबर कितना ग्रेट था उनके पोर्ट कोर्ट में ये था वो था तो इट मे बी अ पॉब्लर स्टीट्यूशन ताकि लोगों में फेमस हो जाए ठीक है तो आप मुझे बताओ कि आप बिलीव करते हो इसमें एंड कमेंट डाउन थैंक यू हैव नाइस डे गॉड ब्लेस यू